चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपन नेक्स्ट जो सेक्शन है आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान, ये चीज हमारा मानना है कि मैं आपको कितना भी विटामिन मिनरल्स सारी चीजों के फाइबर के बारे में बता दूं, पर एक जो हमारे पास विटामिन है जिसे हम विटामिन एम कहते हैं, अगर विटामिन एम के बारे में अगर हमने आपको नहीं बताया तो मेरा मानना है कि वो सारी चीजें फायदे नहीं करते हैं। विटामिन एम दैट मीन्स की मनी, और मनी की जब हम बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे इस आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान की। आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान की अगर हम बात करें तो ये एक मार्केटिंग प्लान जिसने आम आदमी की सोच को बदल दिया, ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान जिसने लोगों को कहा कि आप सपने देखो और आपके सारे सपने इस मार्केटिंग प्लान से पूरे होते हैं, और ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसने आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बना दिया। काफी सारे लोग हैं आज के समय वेस्टीज में जो काफी सक्सेसफुल है। अगर हम बात करें एशिया की, अगर हम बात करते हैं तो जो टॉप अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ, जिनका चेक 1 करोड़ 18 लाख रुपए का है, आज इस आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के थ्रू ही है। तो आखिर ऐसा क्या है इस मार्केटिंग प्लान में जो हमें बेनिफिट दे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यह हमारा एक ऐसा मार्केटिंग प्लान जो कि एक्युमुलेटिव मार्केटिंग प्लान कहलाता है। इसमें हर हमेशा प्रमोशन होता है, कभी डिमोशंस नहीं होते हैं। हमारा जो लेवल है जो हमने एक बार अचीव कर लिया वो हमारा वो लेवल फिक्स होता है, हम कभी जीरो पे नहीं आते हैं। इसके साथ ही साथ हमें इसमें डायरेक्टर बोनस मिलता है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलती है, इसके साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह के रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती है। और इन सबसे बड़ी चीज, ये कैसा मार्केटिंग प्लान जिसे बनाया गया है हमें वेल्दी बनाने के लिए। तो हमें ये किस तरह वेल्दी बनाती है तो वो चीज जानते हैं। ये जो हमारा मार्केटिंग प्लान है आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान, इसमें कंपनी हमें 9 तरह से इनकम देती है, जिस इनकम के बारे में हम 1-to-1 जानेंगे। जो हमारा पहला इनकम है वो कहलाता है सेविंग ऑन कंजम्पशन। आज के समय में घर में हम आप सारे लोग जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने नियर बाई स्टोर से खरीद के लाते हैं, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट की खुद तो प्रोडक्शन करते नहीं है। और जो हम नियर बाई स्टोर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो स्टोर से हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, उस स्टोर के ओनर को बेनिफिट मिलती है। हमें करना क्या होता है, हम जो अपने बगल नियर बाई स्टोर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं हम उसे चेंज कर देते हैं, और हम वेस्टीज के स्टोर से अगर प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ से पहला इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा नियर बाई स्टोर है जहां से हम प्रोडक्ट खरीदते आ रहे थे, वहां से प्रोडक्ट हर हमेशा हमें एमआरपी पे मिलती थी, लेकिन जब हम वेस्टीज के स्टोर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वही एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो वहां पे 120 रुपए का प्रोडक्ट हमें 120 रुपए में मिलते थे, लेकिन जब हम वेस्टीज से वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं 120 रुपए का प्रोडक्ट हमें 100 रुपए में मिलता है, 20 रुपीज की सेविंग होती है। दैट मीन्स हमने सिर्फ स्टोर चेंज किया, हमने सिर्फ वेस्टीज से प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट किया और पहला इनकम हमें यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स हमें 20% की यहाँ पे सेविंग हुई जो डिस्काउंट कंपनी से मिला। इसके साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट इनकम होता है वो एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस कहलाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा बिजनेस इंडिया के अलावा दुबई, भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में है, तो कंपनी हर हमेशा कहती है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसकी बेनिफिट हमें मिलती है। इसकी जो बेनिफिट मिलती है तो इसकी कैलकुलेशन होती है पीवी के थ्रू। पीवी की मैं बात करूं तो पॉइंट वैल्यू होता है, क्योंकि हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कंपनी ने क्या किया कि जब 30 रुपए का प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं, कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो 30 रुपए का जब प्रोडक्ट की बात परचेज करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमारे कंपनी में 1 PV का होता है। दैट मीन्स मैंने 30 रुपए का सामान खरीदा या फिर मेरे थ्रू मेरे किसी दोस्त ने, मेरे रिलेटिव ने या मेरे पड़ोसी जिनको मैंने प्लान के बारे में बताया है वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसकी कैलकुलेशन जो हमें मिलती है वो पीवी के तौर पे होती है, और उसकी हर हमारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें हमारा पे आउट मिलता है, जिसकी आप चार्ट पर देख सकते हैं। जब हमारा बिजनेस 1 PV से लेके 599 PV के बीच होता है, 5% के स्लैब पे होते हैं। जब हमारा बिजनेस 600 PV से लेकर के 2399 PV, दैट मीन 600 PV से लेकर के जब हम 2399 यानी 2399 PV के बीच होते हैं, हम 8% के पे आउट पे होते हैं। जब 2400 से 5499 PV बीच होते हैं, हम 10% के स्लैब पे होता है। जैसे ही हमारा बिजनेस 5500 PV का हो जाता है, हम ब्राउन डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाता है। ब्राउन डायरेक्टर के लेवल की मैं बात करूँ
तो हम कंपनी की ओवरऑल बिजनेस के शेयर होल्डर होते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, ये आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान करते ही हम ब्रांड डायरेक्टर बन जाते हैं। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, हमारे साथ पंकज सर है, किशोर सर है, सर पहले ब्रांड डायरेक्टर बनने के लिए कितने का बिजनेस होता था? 10,000। और आज के समय में कंपनी ने इस प्लान के थ्रू आपको बेनिफिट दिया है और आज के समय में 5,500 पीवी का हम बिजनेस करते हैं। हमारा लेवल ब्राउन डायरेक्टर का होता है और ब्राउन डायरेक्टर बनते ही हम कंपनी के बिजनेस के शेयर होल्डर हो जाते हैं। और अगर मैं इनकम वाइज बात करूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो अगर हम अगर मैंने अगस्त के महीने से बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो अगस्त के महीने में मैंने 2,000 पीवी किया, मेरा लेवल 8% का हुआ और मेरी जो पे आउट आई वो 2,800। फिर मैंने 2,000 पीवी का बिजनेस किया। मैंने आपको बताया था कि ये जो बिजनेस हमारे क्यूमुलेटिव है, दैट मींस ये जुड़ता हुआ चला जाता है। अगस्त में हमने 2,000 पीवी किया, सितंबर का महीना चल रहा है, हम फिर यहाँ पे 2,000 पीवी करते हैं, मेरा ओवरऑल जो बिजनेस है कैलकुलेट हो जाता है 4,000 पीवी। हम 10% के स्लैब पे आता है, हमारी जो पे आउट आती है वो 3,600 रुपए की। तीसरे महीने हम फिर 2,000 पीवी का बिजनेस करते हैं, 3 महीने के अंदर हमारा टोटल बिजनेस 6,000 पीवी का होता है, हम 11% के स्लैब पे आते हैं और हमारा जो पे आउट होता है वो 3,960 रुपए का। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें एडिशनल बेनिफिट की, तो कंपनी कहती है कि आप ज्वाइन करते हैं 282 पीवी का बिजनेस करते हैं, फास्ट स्टार्ट 8% कहलाते हैं, जबकि 8% के स्लैब पे जाने के लिए हमें मिनिमम 600 पीवी का बिजनेस करना होता है। इसके साथ ही साथ कंपनी एक और ऑफर देती है, कंपनी कहती है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और आप खुद से पूरी टीम को मिला के 4,500 पीवी का बिजनेस कर लेते हैं, आपका लेवल ब्राउन डायरेक्टर का हो जाता है, आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम डायरेक्टर बनते हैं, तो डायरेक्टर बनते ही हमें तीसरा इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ब्राउन डायरेक्टर बोनस कहलाता है, जो कि कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस का 4% साइड करती है और अपने ब्राउन डायरेक्टर जितने अचीवर होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। पर एक सवाल का मैं जरूर इसमें क्लियर करूंगा, काफी सारे फोन हमारे पास भी आते हैं, एक कंफ्यूजन मैक्सिमम लोगों का होता है कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहली चीज, हमारा 5,500 पीवी का बिजनेस ब्राउन डायरेक्टर जब बनते हैं, अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें साइड से 2,001 पीवी का बिजनेस करना होता है। पर इसके साथ ही साथ हमें अपनी आईडी पे हम सेल्फ में 40 पीवी का बिजनेस करते हैं, अपने साइड से हम 2,001 पीवी का बिजनेस करते हैं। साइड की बात मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड, जो हमारी लेग 5%, 8% और 10% पे होती है, वही उसी लेग का बिजनेस काउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे एक कैलकुलेशन के थ्रू समझ लेते हैं। चले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। माना कि मैं हूं 11%, मेरे नीचे 4 अलग अलग लेग चल रही है, ए बी सी डी। ए 10% पे है, बी 8% पे है, सी 5% पे है और डी भी 5% पे है। तो मैं जो अपना खुद 11% पे हूं, मैंने अपनी आईडी पे किया 100 पीवी का बिजनेस। मेरे नीचे जो ए है 10% और उसने किया 1,000 पीवी, बी ने किया 500 पीवी, सी ने किया 500 पीवी और डी ने किया 200 पीवी। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो 2,100 पीवी का बिजनेस हो गया। 2,100 पीवी का जो बिजनेस हुआ, तो सबसे पहले हम डायरेक्टर बोनस की जो वैल्यू उसको निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2,100 पीवी का हम 6% अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 126। और फिर हम 126 को, चूंकि हम पीवी को बीवी में कैलकुलेट करते हैं तो 18 से गुना करते हैं, तो 126 को हम 18 से मल्टीप्लाई करके जो हमारा डायरेक्टर बोनस का जो वैल्यू है 1.30 रुपया 1.3 से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो पे आउट आता है वो हो जाता है 2,948 रुपए का। और इस तरह से हमें डायरेक्ट ब्राउन डायरेक्टर बोनस मिलना यहाँ से स्टार्ट होता है। और जब हम ब्राउन डायरेक्टर के लेवल पे बन जाते हैं तो हमारे साथ और लोग हैं, हम उनको भी सफल बनाते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अपने साथ ही साथ लोगों को सफल बनाने का बिजनेस होता है। और यहाँ से जब हम डायरेक्टर होते हैं, हमारे नीचे एक लोग डायरेक्टर बनते हैं, लेवल हो जाते, हमारा लेवल सिल्वर डायरेक्टर हो जाते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस के लिए। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस की मैं बात करूं तो इसमें भी कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस का 14% साइड करती है और अपने जो भी सिल्वर डायरेक्टर है उनके बीच में से
डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है एलओबी। एलओबी जो हमारा नेक्स्ट इनकम है, जिसकी मैं बात करूं कि आज के समय में वेस्टिज की बहुत बड़ी इनकम है। इसमें ये पहले हमारा 15% था, आज के समय में कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस का 16% साइड करती है और अपने एलओबी अचीवर्स के बीच में से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसके लिए भी मिनिमम लेवल हमारा सिल्वर का होना चाहिए और हम अपने ग्रुप पीवी से 5625 पीवी का बिजनेस करते हैं और हम एलओबी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट इनकम आता है वो वेस्टिज ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड की बात करें तो इसमें मिनिमम लेवल सिल्वर डायरेक्टर, सिल्वर राइटर हम कब कहलाते हैं, जब हम डायरेक्टर हमारे नीचे एक लोग डायरेक्टर बनता है हमारा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का होता है और हम लाइफ टाइम ट्रेवल फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इस ट्रेवल फंड के थ्रू आप देख सकते हैं कि वेस्टिज ने आज तक काफी सारे वेस्टिजियन को स्कॉटलैंड, लंडन, हांगकांग, ताशकन, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, इसके साथ ही साथ पेरिस, बीजिंग, रसिया, बाली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट और थाईलैंड, ये वो कंट्री है जो वेस्टिजियंस वेस्टिज के ट्रेवल फंड से घूम करके आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो हर किसी का सपना होता है कि बड़ी सी कार के ओनर बनने का, उसका वेस्टिज हमें कार फंड होता है। हम डायरेक्टर होते हैं, हमारे नीचे 3 लोग डायरेक्टर होते हैं, दैट मीन्स कि हमारा लेवल हो जाता है स्टार डायरेक्टर का और हम अपने इस लेवल को 3 महीने तक रेगुलर मेंटेन करते हैं, हम वेस्टिज के कार फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और कार फंड्स की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम अर्निंग होता है वो है 80,000 रुपये पर महीने की। और इस कारण है आज के समय में आप देख सकते हैं ये कारवा है, आज के समय वेस्टिज में 5,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने के कार को कंपनी से लिया है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स हैं। लग्जरी कार की मैं बात करूं तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर जैसे ये सारे कार अचीवर्स हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी की जो नेक्स्ट इनकम होती है वो है हाउस फंड। हाउस फंड के लिए एलिजिबल बनने के लिए हमें करना क्या होता है, हम डायरेक्टर होते हैं, हमारे नीचे 6 लेग डायरेक्टर होती है, दैट मीन्स हमारा लेवल हो जाता है क्राउन डायरेक्टर का और हम अपने इस क्राउन डायरेक्टर के लेवल को 3 महीने तक मेंटेन करते हैं और हम लाइफ टाइम एलिजिबल हो जाते हैं हाउस फंड के लिए। और इस हाउस फंड के थ्रू हम मैक्सिमम महीने का 1,00,000 रुपया कमा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 1,00,000 रुपया काफी होता है एक बड़े से बंगलों के मालिक बनने के लिए। इसके साथ ही साथ कंपनी की जो नेक्स्ट इनकम होती है वो कहलाती है इलीट क्लब बोनस। इलीट क्लब बोनस क्वालिफाई करने के लिए हमारा लेवल होना चाहिए डीसीडी, दैट मीन्स डबल क्राउन डायरेक्ट। और डीसीडी हम कब बनते हैं, जब हमारी 12 लेग डायरेक्टर की होती है और डीयूसीडी जब हमारी 16 लेग डायरेक्टर की होती है। दैट मींस डीसीडी एंड अबव के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया ये एलीट क्लब बोनस और इसमें कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस का 2% साइड करती है और डीसीडी एंड डीयूसीडी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसमें जो मैक्सिमम अर्निंग होती है वो है 20,00,000 रुपये। तो अगर हम बात करें तो हम इसलिए कहते हैं कि आपकी जो सर्च है, जो खोज है, यहाँ आपकी कंप्लीट होती है। इसके साथ ही साथ हर हमेशा हम कहते हैं कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। थैंक यू, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल।